रेड आइकन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा कि थ्री पॉइंट स्टार्टर किस तरह से दिखता है, वर्किंग किस तरह से। अब हम उसका प्रैक्टिकली देखते हैं कि एक्चुअली में डीसी मोटर के ऊपर थ्री पॉइंट स्टार्टर काम किस तरह से करता है। आपको अगर इसके बारे में और जानना है तो हमारी पिछली वाली वीडियो देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं थ्री पॉइंट स्टार्टर। तो ये डायग्राम है दोस्तों जो आपने देखा हुआ था। अब हम अपना थ्री पॉइंट स्टार्टर ओपन करते हैं। ये देखिए, ये हमारा थ्री पॉइंट स्टार्टर है जिसको हमने ओपन कर दिया है। आप वर्किंग देखिए, जैसा हमने आपको दिखाया था पिछली वीडियो में वैसा ही बिल्कुल हमारा थ्री पॉइंट स्टार्टर है। नाउ अब हम इसका देखेंगे डायग्राम के हिसाब से किस तरह से वर्क करता है। जैसे ही मैं अगर इसमें सप्लाई देता हूँ तो इसको इस पोजीशन में लाऊँ, ये लॉक कर देना चाहिए इसको, और जैसे सप्लाई पड़ता हूँ छोड़ देना चाहिए इसको। देखिए जैसे यहाँ छोड़ूंगा ये छोड़ देगा। तो आइए अब हम अपना आगे वीडियो बढ़ाते हैं, सप्लाई ऑन करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर सप्लाई ऑन कर दिया है, ये मेरा डी सी मोटर के लिए सप्लाई ऑन हो चुकी है। जैसे ही यहाँ पर हमारे आप देख सकते हैं नीचे डी सी मोटर रखी हुई है जो कि वर्क करेगी। तो देखिए मैं यहाँ पे अपना जैसे ही अभी ऑफ पोजीशन में रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ये ऑलरेडी मैग्नेटिक बन चुका है। अब मैं देखिए धीरे धीरे मोटर को आगे बढ़ाता हूँ स्टार्ट। आप देख सकते हैं हमारी मोटर नीचे घूमना स्टार्ट हो रही है। अब देखिए ये यहाँ पे मैग्नेटिक बन चुका है और ये पूरी तरह लॉक हो चुका है। देखिए मैंने यहाँ छोड़ दिया है, लॉक हो चुका है और ये वर्क कर रहा है। अब देखिए जैसे ही मैं एम सी बी ऑफ करता हूँ सप्लाई, तो ये लॉक अपने आप पीछे की तरफ आ जाएगा। तो देखिए आ चुका है अपनी पोजीशन में दोबारा। तो इसी तरह से ये नॉर्मली वर्क होता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। स्टार्टर में सिर्फ एक चीज़ होती है कि हमें स्टार्टिंग करंट कम करना है, और करंट कम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ होती है, रेजिस्टेंस। हम अप्रॉक्स जो अच्छी से अच्छी वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा के, जितना भी नीडेड रेजिस्टेंस है वो लगा के अपना डीसी मोटर की स्पीड को सेट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, और दूसरा हम स्टार्टिंग करंट को कम करके अपनी मोटर को ख़राब होने से बचा भी सकते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो से पूरा डीसी मोटर का थ्री पॉइंट स्टार्टर समझ आ गया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि फोर पॉइंट स्टार्टर के लिए भी हम वीडियो बनाएं। तो अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो अगेन लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने इस रेड आइकन पर क्लिक ना किया हो तो क्लिक भी कीजिए। थैंक यू।